देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन, आपके साथ मैं अनुराग मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की टॉप न्यूज। गुजरात विधानसभा चुनावों के नतीजों के विश्लेषण में उलझी राष्ट्रीय राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। इस बार मामला 2G स्पेक्ट्रम आवंटन केस में स्पेशल CBI कोर्ट के फैसले से जुड़ा है। इसका असर 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी दिख सकता है। यूपी सरकार को निशाने पर लेने वाले समाज सेवी अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की सवारी कर बीजेपी 2014 में केंद्र की सत्ता में आई थी। कोर्ट ने DMK के दो नेताओं कनिमोजी और ए राजा समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। 2019 के कैंपेन के लिए हो सकता है कि बीजेपी नए सहयोगियों की तलाश में हो। इस बीच 2G मामले में एक नई जानकारी सामने आई है। स्पेशल कोर्ट ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट को फटकार लगाई है। जज OP सैनी ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा था कि इश्यू को सही ढंग से नहीं समझने की वजह से गड़बड़ी का शक पैदा हुआ, जबकि ऐसी कोई चीज हुई ही नहीं थी। कम से कम कोर्ट के रिकॉर्ड से तो यही लगता है। उन्होंने कहा कि इस वजह से 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन को लेकर विवाद हुआ। जज ने कहा कि पॉलिसी और गाइडलाइंस पर तस्वीर साफ नहीं होने की वजह से भ्रम पैदा हुआ। उन्होंने ऑर्डर में लिखा है कि गाइडलाइंस तकनीकी भाषा में तय की गई थी। इसमें कई शब्दों का मतलब तो डिपार्टमेंट के अधिकारियों तक को पता नहीं था। जब डिपार्टमेंट के अफसर ही अपनी बनाई गाइडलाइंस को नहीं समझते तो इसके उल्लंघन के लिए कंपनियों को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पास कर अमेरिका के यरूशलम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देने के फैसले को वापस लेने को कहा है। इस प्रस्ताव का भारत समेत 128 देशों ने समर्थन किया है, जबकि सिर्फ 9 देशों ने ही इस प्रस्ताव के विरोध में वोट किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि जो भी देश प्रस्ताव के पक्ष में वोट देंगे उन्हें आर्थिक मदद में कटौती कर दी जाएगी। उनकी धमकी का कोई खास असर नहीं पड़ा और सिर्फ 9 देशों ने ही प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया और 35 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। आपको बता दें कि ग्वाटेमाला, होंडुरास, इजराइल, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, पलाऊ, टोगो और अमेरिका ने प्रस्ताव के विरोध में वोट दिया है। इसमें कोई भी बड़ा देश शामिल नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निकी हेली ने जोर देकर कहा है कि US यरूशलम में अपना दूतावास जरूर खुलेगा। अगली खबर बजट से जुड़ी है। 1 फरवरी 2018 को पेश होने वाले आम बजट में टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपए तक बढ़ सकती है। 60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम के सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट सीमा 3.5 लाख रुपए और 80 साल और उससे अधिक उम्र के सुपर सीनियर सिटीजन के लिए छूट 5.5 लाख रुपए या इससे ज्यादा हो सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले ये मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। इनकम टैक्स की छूट सीमा बढ़ाने को लेकर 3 प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। ये 3 प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने इकोनॉमिस्ट और टैक्स एक्सपर्ट के साथ बातचीत करके बनाए हैं। इस पर अंतिम फैसला PMO के साथ मीटिंग के बाद किया जाएगा। अभी टैक्स पेयर्स को 2,50,000 रुपए तक की इनकम पर टैक्स छूट मिलती है। सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख रुपए और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स छूट 5 लाख रुपए है। अगली खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने उन अटकलबाजियों को खारिज किया है कि पूर्व भारतीय नौसैनिक कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी से सोमवार को उनकी होने वाली मुलाकात अंतिम होगी। पाकिस्तान ने भरोसा दिलाया है कि जाधव को तत्काल फांसी नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा है कि पाकिस्तान ने जाधव की मां और पत्नी को उनसे मुलाकात की अनुमति पूरी तरह मानवीय आधार पर दी है। फैसल ने मीडिया से कहा है कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जाधव को तत्काल फांसी देने का कोई खतरा नहीं है और उनकी दया याचिकाएं अब भी लंबित हैं। उन्होंने कहा कि जाधव की मां और पत्नी को उनसे मुलाकात का अवसर इस्लामी परंपराओं के मद्देनजर उपलब्ध कराया जा रहा है और यह पूरी तरह मानवीय आधार पर आधारित है। महाराष्ट्र पुलिस ने महिला कैदियों के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब वे जेल से अपने परिजनों को वीडियो कॉलिंग कर सकती हैं। जहां एडिशनल DG जेल डॉक्टर भूषण उपाध्याय ने बताया है कि यह सुविधा सिर्फ महिला कैदियों को ही नहीं ओपन जेलों में बंद कैदियों को भी दी जा रही है। महाराष्ट्र में 40 महिला जेल हैं, जबकि 11 ओपन जेल हैं। जेल प्रशासन के मुताबिक जो दोषी महिला कैदी हैं, वे महीने में 2 बार अपने परिवार को वीडियो कॉल कर सकती हैं। जिन पर अभी मुकदमा चल रहा है और उन्हें विचाराधीन कैदी माना जाता है, उन्हें
महीने में 4 बार वीडियो कॉल्स करने की सुविधा मिलेगी। ये थी टॉप न्यूज। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।